इंडियन अगर पेरेंट्स 145th रैंक अगर हम एवरेज देखें, हमारी रैंक आती है, पैसा हम कितना कमाते हैं और एजुकेशन पे आप खर्च कितना करते हो, कॉलेज में 5, 10, 15, 20 लाख, 25 लाख, मेडिकल में तो और जाता है ऊपर, कोचिंग के लिए आप 3-3 लाख रुपए दे देते हो और उसके बाद जॉब नहीं लगती, कुछ ऊपर के कॉलेज छोड़ दो जॉब नहीं लगती। इंजीनियरिंग की बात करोगे पूरी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री से चलती है और इंडस्ट्री सिर्फ टेक डिमांड कर रहा है। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है आप नेटफ्लिक्स पे जाएं, एक IIT खड़गपुर के ऊपर टीवी शो बना है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बच्चे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बता देंगे, उसके अंदर आपको पता चलेगा जो मैकेनिकल सिविल टेक्सटाइल केमिकल वाले बच्चे हैं उनके लिए कंपनियां ही नहीं आ रही है, गिनती की कंपनियां आ रही हैं जो कुछ पैकेज दे रही हैं, टेक में उससे बहुत ज्यादा कंपनियां आ रही हैं और 2 से 3 गुना ज्यादा पैसे दे रही है। तो एक ऐसा बच्चा हमारे इंडिया में, मेजोरिटी बच्चों को तो इंजीनियरिंग करनी नहीं होती, उसे JEE का एग्जाम देना ही नहीं था, उसने इसलिए दी क्योंकि उसे जॉब चाहिए थी और जॉब में पैसा अगर टेक ज्यादा दे रहा है तो वो टेक की तरफ जा रहे हैं और होगा पता है क्या होगा ये